हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम VFM जो हमारा CIB का सेकंड पार्ट है, तो इसका जो हमारा थ्योरी पोर्शन है उसके हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं आपको 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, 3 4 5 6, ये क्या है कि शॉर्ट नोट्स हैं। ये कब काम आएंगे? जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम कल है, तो आज रात को आपने ये सारे एक बार पढ़ लेने हैं, इनको रिवाइज़ कर लेना। इससे क्या होगा कि आप एक बुक, इतनी मोटी बुक एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके ये क्वेश्चंस हैं ये आप एकदम से रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए काम आते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे। ये बेसिकली शॉर्ट नोट्स हैं BFM की पूरी बुक के, तो ये हार्डली आपके होंगे 15 पेजेस के अराउंड है। तो इसके हम पार्ट्स में वीडियो बना देंगे, तो आप एक बार सुन लेंगे तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और वैसे आपने इसका रिवीजन उसी टाइम ही करना है जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे एक दिन, एक रात पहले, सो दैट आप पूरी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं उतने टाइम में, लेकिन आप ये जो है आराम से रीड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन ऑफ करेंसीज फ्रॉम द करेंसी ऑफ इनवॉइस टू द होम करेंसी। क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली है क्या कि कोई करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में, जैसे कि US डॉलर है, उसको कन्वर्ट करके क्या करेंगे, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। वही उस पहली लाइन में कहा गया है, ठीक है? तो वो कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। आपको पता होना चाहिए कि फेमा एक्ट 1999, पहले क्या था, फेरा था, और ये फेमा बना दिया गया है। अब जो है ये फेमा रूल कब से लागू हुआ है, 1 जून 2000 से। तो इसमें जो है फॉरेन एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन दी गई है, फॉरेन एक्सचेंज इज डिफाइंड एज द ऑल डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंसेस पेबल इन फॉरेन करेंसी एंड एनी ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, LC एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी एंड पेबल इन अ फॉरेन करेंसी। मतलब कोई भी ड्राफ्ट वगैरह, बिल वगैरह है, वो इंडियन करेंसी में है, उसको पे किस में करें, फॉरेन करेंसी में करें, तो वो सारा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, एनी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ड्रॉई और होल्डर देयर ऑफ एनी अदर पार्टी देर इन इंडियन करेंसी और इन फॉरेन करेंसी पार्टली इन द अदर। मतलब या तो वो इंडियन करेंसी में या तो फॉरेन करेंसी में पे हो, और फॉरेन करेंसी में या तो वो इंडियन करेंसी में पे हो, तो वाइस वर्सा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ठीक है? थर्ड पॉइंट देखेंगे, अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फंड्स इन वन करेंसी फॉर फंड्स इन अनदर करेंसी एट एन एग्रीड रेट एंड अरेंज बेसिस। मतलब क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज ऑफ फंड्स का, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ पॉइंट, एक्सचेंज रेट मीन्स द प्राइस और द रेशियो और द वैल्यू एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी, ठीक है? वन, जैसे कि मान लो आपने कोई करेंसी एक्सचेंज करनी है, तो वो किसी फिक्स रेट पे होगी या किसी रेशियो पे होगी, ठीक है? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देखें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉर्पोरेशंस और इंडिविजुअल्स वगैरह, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं, इसके पार्टनर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे, द फॉरेक्स मार्केट्स आर हाईली डायनेमिक दैट एन एवरेज एक्सचेंज रेट करेंसीज फ्लक्चुएट एवरी 4 सेकेंड। मतलब जो भी इसमें लेन देन होता है वो हर 4 सेकेंड में होता है, तो मतलब एक पूरे दिन में कितनी बार ट्रांजेक्शन होती है, 21,600। एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन कि कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसमें ना 21,600 और इस तरह करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो आप देख लेंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेवन्थ पॉइंट देखेंगे, फॉरेक्स मार्केट्स यूजली ऑपरेट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ग्लोबली एक्सेप्ट इन द मिडल ईस्ट और इस्लामिक कंट्रीज में, वहाँ पे सैटरडे और संडे में भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है? इंडियन मार्केट में जो है, इंडियन शेयर मार्केट में मंडे टू फ्राइडे ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है? एट्थ देखेंगे, द बल्क ऑफ द फॉरेक्स मार्केट्स आर OTC। OTC होता है मतलब ओवर द काउंटर, आपने खरीद फरोख जो है ओवर द काउंटर ही करनी है, बीच में कोई मिचौलिया नहीं होगा। नाइन्थ देखेंगे, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। एक्सचेंज रेट्स जो होते हैं, जैसे आपका US डॉलर है वो 70 रुपये, 80 रुपये, इंडियन रुपीज़ 70 रुपए दे के आप 1 डॉलर खरीद सकते हैं, तो वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो फंडामेंटल फैक्टर्स देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ और रेट ऑफ द कंट्री पे,
फिस्कल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है आरबीआई कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन कितना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, ये सारी हम एक और वीडियो इससे पहले बनाई थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं सारे पॉइंट्स, तो इसको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए टेक्निकल रीजन, टेक्निकल रीजन्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल कैन लीड टू अनरियलिस्टिक वैल्यू, गवर्नमेंट अगर कोई रोक लगा देती है तो उस वजह से भी उसके जो है चेंज हो सकते हैं रेट्स वगैरह। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम लोअर इंटरेस्ट रेट टू हायर इंटरेस्ट रेट, ये भी एक रीजन हो सकता है। स्पेकुलेटिव रीजन भी हो सकता है, हायर द स्पेकुलेशन हायर द वॉलिटिटी इन मार्केट। स्पेकुलेशन बेसिकली होता है कि आप कोई शेयर खरीदें और फिर आप देखते रहें कि कभी ये बढ़ रहा है तब तो मैंने इसको बेचना है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। चील किसी ने कहा होगा, ड्यू टू वास्टनेस ऑफ द मार्केट ऑपरेटिंग इन डिफरेंट टाइम जोन, मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स डील्स इन जनरल आर डन ऑन स्पॉट बेसिस, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के साथ में और बहुत सारे एक्सचेंजेस में होता है, तो ये क्या है एक स्पॉट बेसिस पे होता है, मतलब तुरंत के तुरंत। 11th पॉइंट देखेंगे, द डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स डील्स कैन बी सेटल्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज, मतलब कैसे कैसे सेटल हो सकती है, या तो रेडी और कैश उसी टाइम ही, टुमारो होती है मतलब नेक्स्ट डे, स्पॉट और फॉरवर्ड, स्पॉट एंड फॉरवर्ड भी है, ठीक है। अब इनको समझ लेंगे कि रेडी और ये सब क्या चीज़ें थी। 12th पॉइंट पे आइए, रेडी और कैश सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, रेडी और कैश में क्या होगा, सेम डे ही सेटलमेंट हो जाएगी। टीओएम में क्या होगा, सेटलमेंट होगी फंड्स की लेकिन नेक्स्ट वर्किंग डे में होगी, जैसे अगर मान लो आपने फ्राइडे को कोई शेयर खरीद लिया तो आपके वॉलेट में ये आएगा मंडे को, तो ये टॉम हो जाएगा टीओएम। नेक्स्ट देखेंगे इसमें 13th पॉइंट हो गया, 14th पॉइंट पे आइए, स्पॉट के लिए बात कर रहे हैं, स्पॉट रेट में बात करते हैं। सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन द सेकंड वर्किंग डे आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील, इफ द सेटलमेंट डे इज हॉलीडे इन नेक्स्ट, मतलब इसमें जो सेटलमेंट होता है सेकंड वर्किंग डे में होता है, एक वर्किंग डे हो गया तो वो कहलाएगा टॉम और सेकंड वर्किंग डे में होगा तो वो कहलाएगा स्पॉट। 15th पॉइंट पे आइए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, स्पॉट डेट होती है आपकी 2 दिन बाद, दो वर्किंग डेज के बाद में, और आपका जो है फॉरवर्ड कब होगी उसके भी 2 दिन बाद। स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स ऑन द अदर हैंड वेयर एन द डिलीवरी ऑफ द करेंसीज इज टू टेक प्लेस एट द डेट बियॉन्ड द स्पॉट डेट इन दिस फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन एंड रेट अप्लाइड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड रेट, मतलब स्पॉट के बाद का दिन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, स्पॉट डेट कहलाएगी, और वो जो रेट अप्लाई होगा उसको क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड रेट कहलाएंगे, ठीक है। 17th पॉइंट पे आइए, फॉरवर्ड रेट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉट रेट्स एंड आर फंक्शन ऑफ द स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट रेट्स, ठीक है। और 18th पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे, स्पॉट रेट, रेट की स्पेलिंग गलत है वो ठीक कर लेंगे, RATE, उसमें प्रीमियम ऐड कर देंगे या फिर डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 18th वाला देखेंगे, ये न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ जाएगा। 19th पॉइंट देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज मोर देन बीइंग कोटेड फॉर स्पॉट देन इट इज सेड टू बी एट अ प्रीमियम, अगर मान लो करेंसी आपने यूएस डॉलर ले लिया, एक यूएस डॉलर 70 रुपये का लिया है, आज मार्केट में भाव उसका 90 रुपये है, तो वो क्या कहलाएगी, प्रीमियम पे कहलाएगी। और मगर इसका उल्टा हो जाए कि यूएस डॉलर आपने 70 का लिया और 50 रुपये पे आ जाए तो क्या होगा, ये डिस्काउंट कहलाएगी, डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। तो ये 1920 में यही कहा गया है प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में, मतलब महंगा तो प्रीमियम और सस्ता तो डिस्काउंट। 21वां पॉइंट देखेंगे, द फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स आर जनरली बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स ऑफ द टू कंट्रीज, मतलब ये जो महंगा और सस्ता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स पर डिपेंड करता है। 22वां देखेंगे पॉइंट, इन अ परफेक्ट मार्केट विद नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंस एंड ट्रेड द इंटरेस्ट फैक्टर इज द बेसिक फैक्टर इन अराइविंग एट द फॉरवर्ड रेट, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है जहाँ की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट फैक्टर बेसिक फैक्टर होता है फॉरवर्ड रेट तक पहुँचने का, ठीक है। अब 23rd देखेंगे, द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अनदर कैन बी वर्कड आउट विद द फॉलोइंग फैक्टर्स, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व, इंटरेस्ट रेट डिफरेंसेस फॉर द करेंसीज टर्म दैट इज द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कड आउट, ठीक है। फॉरवर्ड प्राइस जो निकलती है ना वो इन सब तीनों पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, तो ये आप क्वेश्चन टिक कर लेंगे, मे बी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे,
सॉरी 24th पॉइंट देखिए, द प्राइस ऑफ द करेंसी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज, या तो डायरेक्ट कोट होगा या इनडायरेक्ट कोट होगा। तो फ्रेंड्स समझ लेंगे डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है। 25वें नंबर पॉइंट पे देखिए, 1 US डॉलर इक्वल्स टू 48.10, तो ये क्या है, डायरेक्ट कोट है, मतलब 1 डॉलर इतने रुपए का है, ठीक है। अब क्या है कि 26 पॉइंट देखो, डायरेक्ट कोट रेट्स आर होम करेंसी और प्राइस कोटेशंस, ठीक है। अब 27 पॉइंट पे आओ कि अंडर इनडायरेक्ट कोट द लोकल करेंसी रिमेंस फिक्स्ड वाइल द नंबर ऑफ यूनिट्स डिफर, मतलब कि एग्जांपल देखो, 100 रुपये का 2.05 US डॉलर आया, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट रेट हो गया, मतलब कान घुमा के पकड़ लेना, ठीक है। जैसे एक तो सीधा सीधा ऐसे कान पकड़ लेना और एक ऐसे घुमा के पकड़ना, तो वो इनडायरेक्ट रेट है। नेक्स्ट है 28, ग्लोबली ऑल करेंसीज एक्सेप्ट अ फ्यू आर कोटेड एज डायरेक्ट और अदर आर कोटेड एज इनडायरेक्ट। तो ये भी है, एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि इनडायरेक्ट रेट में कौन कौन सी कोटेड होती हैं। ये करेंसीज का नाम दिया हुआ है 29th में, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, लिब वगैरह, ये सब क्या होती हैं, जैपनीज येन वगैरह, ये सब जो है इनडायरेक्ट रेट में कोट होती हैं। ये सब जो आपको इनडायरेक्ट कोट है, ये कब समझ में आ जाएगा, जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पे आपको जो है करेंसीज के रेट निकालने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। कुछ 31 पॉइंट देखेंगे, क्रॉस करेंसी रेट्स वन डीलिंग इन अ मार्केट पेयर रेट्स फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी पेयर आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, द प्राइस फॉर सेड इज ऑब्टेंड इनडायरेक्टली, मतलब जहाँ की एकदम से डायरेक्ट रेट आपको नहीं पता होंगे। जैसे कि मान लो 1 US डॉलर इक्वल्स टू 100 इंडियन रुपीज, लेकिन अगर आपने निकालना है कि GBP का रेट क्या है, तो वो इनडायरेक्टली आप कोटेड कोट करेंगे, तो वो क्रॉस मेथड से करते हैं। ये आपको 32 पॉइंट है, इसमें क्रॉस रेट निकालने का दिया हुआ है, तो ये हल्का सा देख सकते हैं आप, लेकिन ये आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, ये पूरा देख लीजिए आराम से। 32 वाला पॉइंट जो है वो इनडायरेक्ट रेट को ही बता रहा है, देख सकते हैं आपने किस तरह से वो कैलकुलेट हुआ है। तो ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। 33 पॉइंट देखते हैं, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट्स। फिक्स रेट क्या होगा, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और वो वहाँ पे टैग लगा होता है कि फिक्स रेट 700 रुपये बोला, तो 700 में ही देगा। फ्लोटिंग ऐसा है कि आप बार्गेन कर सकते हैं और सस्ते में भी मिल सकता है, तो दैट इज फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट इज द ऑफिशियल रेट सेट बाय द मॉनिटरी अथॉरिटीज फॉर वन और मोर करेंसी, इट इज यूजली पैक्ड टू वन और मोर करेंसीज। अंडर फ्लोटिंग में क्या होगा कि डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर करेंसी, मतलब अगर डिमांड एंड सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, तो वो रेट फ्लक्चुएट होगा, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहलाता है, ठीक है। 35, 34 देखेंगे कि द वर्ल्ड इकोनॉमीज हैव अडॉप्टेड ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। इंडिया ने स्विच कब करा था, 35 पॉइंट देखो, इंडिया ने स्विच कब करा था फ्लोटिंग रेट पे, तो वो 1993 में किया था। बिड एंड ऑफर्ड रेट्स, द बाइंग रेट्स एंड सेलिंग रेट्स आर रेफर्ड टू एज बिड रेट। देखो जब आपका कोई चीज़ खरीदने का रेट लगे, तो वो क्या बोल देंगे, उसको बिड प्राइस बोलेंगे। ये जो ये टर्म्स है ना, बिड रेट, स्पॉट रेट, ये सब ये फॉरेक्स के टर्म्स हैं, ये आपका स्टॉक एक्सचेंजेस में यूज होते हैं, कि आपने जो चीज़ खरीदनी है, बी फॉर बाइंग एंड बी फॉर बिड, कुछ खरीदना है तो वो बिड कहलाएगा, कुछ सेल करना है तो वो ऑफर प्राइस कहलाएगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा, कि उसमें क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, दिस इज द बिड प्राइस फॉर दैट, दिस इज द ऑफर्ड रेट फॉर दिस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, ये आपको नोट्स जो हैं सिर्फ रिविजन के काम आएंगे। 37 पॉइंट देखिए, चेन रूल कहता है। चेन रूल में बेसिकली क्या होता है कि कंपेरिजन, जैसे कि हम रेशियो से निकालते थे ना अपने क्वेश्चन, तो सेम वैसे ही है। और परसेंटेज वाइज, परसेंटेज होता है 1/100, पर माइल होता है पर बाय 1/1000, यहाँ पे दिया हुआ है ये पर 1/1000, ठीक है। 38 पॉइंट देखो आप, वैल्यू डेट द डेट ऑन विच अ पेमेंट ऑफ फंड्स और एन एंट्री टू एन अमाउंट अकाउंट बिकम्स एक्चुअली इफेक्टिव। वैल्यू डेट कब होगी, जब आपके खाते में पैसे आएंगे बस। जैसे मोदी जी ने घोषणा कर दी कि 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन जब वो अकाउंट के अंदर आ गए बिल्कुल, तो वो डेट कौन सी कहलाएगी, वैल्यू डेट कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द 39 पॉइंट है, द पेमेंट्स मेड इन सेम डे सो दैट नो गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट अकूर्स टू आइदर पार्टी इज कॉल्ड एज वैल्यू कंपेंसी और सिंपली हेयर एंड देयर। देखो किसी का लॉस ना हो, इसलिए सेम डे में ही उसका पैसा आ जाए,
चाहे वो गेन हो या लॉस हो, उसका इंटरेस्ट भी साथ में है, तो उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू और कंपेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 40th, आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज। आर्बिट्रेज इन एक्सचेंज क्या होता है कि आप एक सब्जी मंडी से सस्ते में खरीदें और दूसरी सब्जी मंडी में बेच दें, तो वो क्या कहलाएगा, महंगे में बेच दें, सस्ते में खरीद के महंगे में दूसरी उसमें भेज दें। मतलब सीधा अगर स्टॉक एक्सचेंज से आपको बताना चाहूँ तो BSE में आपने एक स्टॉक ONGC का खरीदा 60 रुपये का, और NSE में गए आप, BSE में खरीदा और NSE में गए आप, और वहाँ पे 70 रुपये ONGC का रेट है और आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज आर्बिट्रेज। फ्रेंड्स, इसकी ना अलग अलग वीडियोज़ बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं ये, तो अभी 40 पॉइंट्स तक की एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।